हेलो हेलो एवरीवन, आज हम ट्रांसफर मार्केट में जो भी हो रहा है वो डिस्कस करेंगे। मेस्सी टू मायामी बीच हो चुका है, बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है ये देखते हुए एज अ मेस्सी फैन, बट दैट्स व्हाट ही वांटेड एंड आई कंप्लीटली डू नॉट सपोर्ट हिम इन दिस मूव। क्या कहते हो, क्या कहते हैं निर्वाण भाई, कौन आ रहा है मतलब? रिटायरमेंट पाथ चूज कर लिया उसने उसने कर लिया उसने जो करना था फुटबॉल में। नाउ ही वांट्स टू लिव अ रिलैक्स्ड लाइफ। और यूएसए में अच्छा है, बीचेस में मैसी ही बैठेगा अपना वाइफ के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करेगा अपनी लाइफ। जीत लिया उसने जो जीतना उसने था। बोल ही रहा हूँ मैं, मायामी बीच में लिया उसने मूव, मायामी क्लब को ले लिया। और साथ में बार्सा का ओल्ड एज होम बन जाएगा, वो सब अपना रिटायरमेंट के बाद वहीं जाएंगे। सुआरेस की भी वहीं की न्यूज आ रही है, बुस्केट्स की भी वहीं की आ रही है, अभी जॉर्डी एल्बा की भी आ जाएगी। सारे मिलके वहां पे बैठ के बीच में आराम करेंगे। और यूएस में रेलीगेशन तो होती नहीं, तो हार भी गए लास्ट, तो वैसे ही चल रहे हैं वो, लास्ट आ गए तो क्या फर्क पड़ रहा। क्या यार, क्या कर दिया मेस्सी ने यार। और डील तो क्या मिली है, इंटर मियामी में शेयर्स मिलेंगे, स्पॉन्सर्स के अंदर शेयर मिलेगा, रेवेन्यू में एप्पल में मिलेगा, मर्चेंडाइज में मिलेगा। आई अबे थिंक लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब जो है उसकी मर्चेंडाइज सेल हाईएस्ट अराउंड 118 120 मिलियन की है, जो उनकी जो हाईएस्ट है क्लब की। और मेसी की पिछले साल आई थिंक पीएसजी में 140 मिलियन की शर्ट सेल्स थी, तो सारे ब्रो रिकॉर्ड टूटने वाले हैं ब्रो, उस मामले में, और मेसी को अच्छा खासा पैसा मिलेगा। साउदी ने 1.5 बिलियन कोट कर दिया था हाँ मेसी के पर लिए। यार सऊदी में ना एशियन कंट्री है और इस्लामिक कंट्री है, थोड़ा रूल्स के हिसाब से उसका लाइफस्टाइल चेंज रहता है। फैमिली के लिए में भी हो सकता है उसको लगा हो कि अडॉप्ट करने में मुश्किल हो वो लाइफस्टाइल, हाँ, बट ये तो भाभी को घूमने नहीं देते बीच पे ऐसे ही। वैसे तो रोनाल्डो भी रह ही रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो पता ही नहीं क्या होता है, ऐसा स्पेकुलेशन है। बट इंटर में उसको शेयर मिल रहे हैं यार क्लब में, पूरा लाइफ टाइम के लिए उसकी एक इन्वेस्टमेंट हो गई उसमें, और भाई बैकम के साथ है। अभी भी 2 साल थे यार मेसी के पास एट द बट टॉप बैकम पे। ने आई थिंक 25 मिलियन में लिया था क्लब जब स्टार्ट हुआ इंटर मियामी पिछले साल, या 2 साल हो गए आई थिंक। और भाई करंटली साहब वैल्यू क्लब की 600 मिलियन है, मेसी के आने से 1 बिलियन तक चली जाएगी। असली बिजनेस तो बैक कम कर रहा है भाई। असली बिजनेस तो बैकम कर रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तभी ले सकते हैं वो ये सब प्लेयर्स, अच्छा खासा कमा रहे हैं कतर वर्ल्ड कप से भी सही छापे थे इसने। वो। हाँ एम्बेसडर बना हुआ था वहां जाके, सब यही कहना था, ओ आई लव दिस, ओ आई लव दिस, आई लव दैट, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, सबसे प्यार है मेरे को, बहुत बढ़िया। और यूनिसेफ का तो है ये ब्रांड एम्बेसडर, हर जगह जाके बस प्यार फैला रहे हो इंटर और मायामी पैसा कमा रहे। के लिए एक फैक्ट मुझे शेयर करना था, ये देखो जरा। ढूंढो इंटर मायामी कहाँ पर है, ये देखो। 15th प्लेस पे है, और उन्होंने अभी कोच फिल नेविल को सैक किया था क्योंकि 15 मैच में 15 ही पॉइंट है, 16वां मैच भी हो गया, अच्छा हार गए। भाई यहाँ जा रहा है मेसी, यहाँ क्यों जा रहा है भाई? नहीं बट हार के कुछ फायदा नहीं ना, कोई कोई लॉस नहीं होगा, कोई रेलिगेशन नहीं है, फिर अगले साल फिर खेल लो। हारने का डर नहीं है भाई तो अच्छी बहुत बात है, फ्री माइंड बहुत से दुख खेलेगा भाई, और फैंस प्रेशर भी को कम रहेगा। बहुत बहुत दुखी कर गया, लेकिन ये कैंप बहुत नाउ की दुखी कैपेसिटी 100,000 है, इंटर मियामी के स्टेडियम की कैपेसिटी 18,000 है, तो भाई आराम से साहब। खेलेगा। ऐसा लगेगा बिल्कुल अपने बैकयार्ड में खेल रहा है, मजा भाई आएगा। हद हो गई है तो हद। इतनी उम्मीद थी बार्सिलोना कुछ करेगी, बार्सिलोना ने भी अपनी ऐसी तैसी करवाई है। कल मेस्सी का इंटरव्यू भी आया था, हाँ वो कह रहा था उसने उसको भी अबे पक्का नहीं है कि बारसा ने सब कुछ किया उसको लाने के लिए। ऑफर ही नहीं रखा कोई, बस बोल रहे हैं कि रुक जाओ अभी 1-2 हफ्ता। वो मेस्सी क्या करेगा उसमें, कोई बट ठीक है, अब प्लान उनके नहीं है। फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है तो क्या करें वो। लपोरता साला पॉलिटिशियन है, बोलता रहा लेके आऊंगा, ऐसी वैसी करवा ली। मूड ठीक है, खराब है क्या भाई मेरा कल से। भाई कर सकते हैं, मूव ऑन भाई।
मेसी और सुआरेस को साथ में खेलता हुआ नहीं देखना चाहता तू फिर से? नहीं मेसी और बुस्केट्स को नहीं। अच्छा चलो, अबे सुबह 5 बजे कौन उठेगा पहले एक बात बता, 5 बजे आएगा सुबह मैच? हाइलाइट्स देख लियो बस, तो फिर तभी कह रहा हूँ मैं नहीं देखना चाहता। हाँ नहीं तो तू सोने से पहले देख लियो ना, तू सोने भी तो इसी टाइम जाता है। ये देखो भाई जर्सी भी इतनी गंदी है यार, पिंक कलर की जर्सी कौन बनाता है यार। देख ले यही बिकेगी सबसे ज्यादा। अरे यार मेसी विल ऑफिशियली प्ले सॉकर नाउ, फुटबॉल तो छोड़ दी इसने। या दैट्स द वर्स्ट पार्ट, अगर कोई कोई बुरा पार्ट है इसमें तो वो है। बट ठीक है, मे बी अब मेसी को हम इंग्लिश बोलते और सुनेंगे। आई थिंक मैंने बहुत कम इसको, रेयरली कभी इसको इंग्लिश बोलते सुना है, अब और बोला करेगा थोड़ा। क्या इंग्लिश बोलेगा, पेरिस में इसने फ्रेंच सीखी, जो अब इंग्लिश सीखेगा। हाँ पर पेरिस में ये चलिए ये भी बात ठीक है, पर इंग्लिश में इसको अमेरिका में इसको कोई इंग्लिश में नहीं समझेगा नहीं, मतलब बिना इंग्लिश के स्पेनिश बोलने वाले कम मिलेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक उनकी सेकंड बिगेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है बट मेरे को पता नहीं मियामी में कितने स्पेनिश बोलने वाले लोग होंगे, वैसे बीचेस में आते रहते हैं लोग, पता नहीं, नो आइडिया, देखते हैं। हाँ बीच पे तो मिल ही जाएंगे, बीच पे तो गया है वो। नहीं तो बेकम को तो आती होगी, वो भी मैड्रिड में रहा इतने टाइम। बेकम साला ले गया 2 साल पहले ही, गुस्सा आ रहा है उससे भी। पर इससे मेरे को याद आया कि मतलब इसने ये ऑप्शन लिया और सऊदी का ऑप्शन नहीं लिया, सऊदी का ऑप्शन जिसने लिया वो है बेंजेमा, 200 मिलियन पर सीजन। मेसी ने इंटरव्यू में बोला भी कि ये बहुत बड़ी अमाउंट है 1.5 मिलियन पर 200 मिलियन है सीजन मैड्रिड के साथ, पता नहीं कैसा सीजन जाता, एटलीस्ट लाइफ उसकी सेट हो जाएगी 2 साल में बेंजेमा की, 400 मिलियन और एन्गोलो कांते भी अल इत्तेहाद ही जा रहा है, 100 मिलियन पर सीजन। कांते का करियर खत्म हो रहा था, इंजरीज इतनी हो रही थी, उसने कहा लो भाई बैंक बनाए। सही है और सही भी है, ठीक है पैसे कमाओ भाई, सही बात है। 2 साल के लिए 2 साल मेहनत करो, मेहनत भी क्या करो वहां जाके, तुम इससे ज्यादा तुम अपने आप पे मेहनत कर रहे होते और अब कमाओ पैसे, लाइफ सेट हो जाएगी 2 साल में। अलेक्सिस सांचेस का भी आ रहा था, मैं भूल गया कौन सी उसकी क्लब के लिए रिपोर्ट आ रही थी, उसको 10 मिलियन पर सीजन का ऑफर मिल रहा था, शायद अल अहली था या कुछ ऐसा था। हाँ अब तो सऊदी ने कर लिया भाई, 30 के ऊपर जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं सबको टारगेट करेंगे, अंधा पैसा फेंकेंगे और कौन नहीं जाएगा, हर कोई जाएगा। हाँ इतना पैसा है बहुत, सही कर रहे हैं भाई। पहले वो रशियन क्लब्स करते थे, जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग और एंजी मकाचकला, वो आए थे प्लेयर्स ले गए थे, उसके बाद चाइना आई थी, ऑस्कर वराउ उन सबको ले गए, अभी ये आए हैं, देखते हैं कितना टाइम चलता है। रोनाल्डो ने कहा था ये टॉप 5 लीग के साथ कम्पीट करने लगेगी सऊदी लीग, ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा। अबे वो रोनाल्डो से कुछ भी बुलवा रहे हैं, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, रोनाल्डो तो बोलेगा ही नहीं, पर इतने प्लेयर्स जा रहे हैं, बेंजेमा और रोनाल्डो उस लीग में खेल रहे हैं, कौन नहीं देखेगा, मैच ना देखेंगे फॉलो तो करेंगे लीग। ये बुस्केट्स एल्बा भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा मिलेगा यार अच्छा खासा मिलेगा। हाँ क्यों नहीं जा सकते, वैसे उनके इंटर मियामी की भी बात हो रही है, इवन एंगेल डी मारिया वो यूवेंटस छोड़ रहा है तो उसकी भी इंटर मियामी की रिपोर्ट आ रही है, एक वो है या फिर बेनफिका जा सकता है वो, उसके कह तो रहे हैं कि प्रायोरिटी यूरोप है तो शायद बेनफिका चला जाए, लेकिन बैक टू हिज ओल्ड क्लब, बट इंटर मियामी भी अच्छा ऑप्शन है जब मेसी वहां जा रहे तो ही कैन ऑल्सो गो। मेसी ने ऑफिशियली रिटायरमेंट नहीं लिया लेकिन ले लिया है क्लब फुटबॉल से, हाँ इंटरनेशनल हो गया, बट डी मारिया बहुत अच्छा खेला यूवेंटस के लिए, ही आल्सो हैज अ लॉट टू गिव, बेनफिका जाता है तो बेनफिका विल बेनिफिट फ्रॉम हिम, और उनका तो अभी टीम भी बहुत यंग है, अभी उन्होंने पोर्चुगीज लीग जीती है तो कुछ भी हो सकता है। ब्राहिम डियाज आ रहा है मैड्रिड वापस,
अरे मेड्रिड के चार फॉरवर्ड प्लेयर गए हैं, मारियानो डियाज, बेंजेमा, असेंसियो और हैजार्ड। अब उनके पास ऑप्शंस खत्म हो गए, विनीसियस और रोड्रिगो थे तो ब्राहिम डियाज को वापस बुलाया, पर इनको अभी भी एटलीस्ट दो स्ट्राइकर और चाहिए और एक और एटलीस्ट विंगर चाहिए होगा, नहीं तो वास्केस को वहां खिला सकते हैं, बट फिर राइट बैक में ज्यादा ऑप्शन नहीं बचते। केन तो के लिए मूव तैयार कर रहे हैं, न्यूज़ आ रही है केन के लिए। हाँ बट वो कह ये भी कह रहे हैं कि शायद, पहली बात तो एक साल उसका बचा है, 30 का वो हो रहा है, 80 मिलियन उसके लिए मांग रहे, 100 मिलियन मांग रहे हैं वो, 100 कौन मिलियन देगा? प्लस मांगेगा वो, मैड्रिड दे सकती है तो, और तो कोई नहीं देगा। मैड्रिड भी नहीं देगी भाई, मैड्रिड भी नहीं देगी, क्यों देगी 100 मिलियन क्यों देगी वो, जो उस प्लेयर के लिए जो 30 का हो रहा है और एक एक साल बचा उसके कॉन्ट्रैक्ट में, तो मेरे को तो नहीं लगता वो देंगे। यूनाइटेड के लिए भी ये प्रॉब्लम होगी, 100 मिलियन कौन देगा। इस अच्छा मैड्रिड को लोटारो मार्टिनेस के लिए जाना चाहिए, वो लोटारो, लोटारो के लिए मेरे को लगता है कई बार उसके चांसेस होते हैं, वो ब्लेटेंट चांसेस मिस करता है और वो नहीं है प्ले मेकर जैसा बेंजेमा होता था। नहीं तो ऐसे तो स्ट्राइकर्स बहुत अवेलेबल है, ओसिमहेन है, व्लाहोविच है, नए स्ट्राइकर आ रहे हैं वो रैंडल कोलोमुआनी यंग है, गोंचालो रामोस है, तो ऑप्शंस है मार्केट में स्ट्राइकर्स के लिए, बट वो कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता जो बेंजिमा करता था और केन अभी कर रहा है। तो ये देखते हैं, मेरे को भी लगता है एंचेलोटी का भी कुछ पता नहीं है कि वो इस टीम को हैंडल कर पाएगा कि नहीं, कि बिल्ड कर पाए टीम को, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट था बेंजिमा वो जा रहे हैं, मॉड्रिच और क्रोस खत्म हो रहे हैं, लास्ट ईयर है उनके, तो क्या बना पाएगा नई टीम या नहीं बना पाएगा, उससे क्या कर पाता है। मेरे को तो लगता है उसको सीजन से पहले सैक ना कर दे तो वो प्रॉब्लम हो गया। तो एंसेलोटी का तो कोई वो नहीं है, सैक ही करेंगे उसको, उसका तो कोई मन नहीं है जाने का। लेकिन लाओ मैनेजर से याद आया पीएसजी में, अबे वही ऑप्शन मार्केट में ही है जो यूलियन नागेल्समान है, वो ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो वही बेटर ऑप्शन है क्योंकि कोंते भी है बट कोंते मैड्रिड में फिट नहीं बैठेगा, लुइस एनरिके वो कभी नहीं जाएगा बार्सा लिंक की वजह से, तो और फिर ज़िदेन को वापस ले आओ, वो भी मेरे को नहीं लगता कोई बेटर ऑप्शन है। आई थिंक अगर ये इस साल अगर एंचेलोटी के साथ निकाल लेते हैं तो आई थिंक इनको नेक्स्ट ईयर क्लॉप के लिए जाना चाहिए। ज़िदेन को पीएसजी ने कराया कॉन्टैक्ट अभी, वैसे मैं शेयर कर, हाँ बट उसने मना कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। हाँ अब कह रहे हैं कि पहला प्रायोरिटी टारगेट उनका नागेल्समान है, नहीं तो ऑप्शन में लुइस एनरिके भी है और ज़ाबी अलोंसो भी है, उसने लेवरकुसन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक 17th या 16th चल रहे थे जब उसने ज्वाइन किया था, एंड दे एंडेड अप ऑन 6th और 7th, बहुत अच्छा परफॉर्म करा है उन्होंने, ज़ाबी अलोंसो टीम खेल भी अच्छा रही है, अच्छा अच्छा मैनेजर होगा वो, मोरिन्हो ने भी यही बोला था उसके लिए, उसकी बात तो मान ही सकते मोरिन्हो भी कह रहे हैं शायद रोमा में टिके रहे, उसको कोई अप्रोच तो करेगा नहीं कोई बड़ा क्लब। नहीं यार मोरिन्हो मैड्रिड नहीं आ सकता वापस, अगर तुम नहीं ठीक भी नहीं रहेगा, आई थिंक मोरिन्हो का टाइम हो गया टॉप पे, थोड़ा उसके जो टैक्टिक्स हैं और जिस तरीके से उसका मैन मैनेजमेंट है कहीं ना कहीं ऐसा लगता थोड़ा पुराना हो गया, बस इसलिए क्योंकि इतने टाइम से उसने कुछ सब्सटैंशियल करके नहीं दिखाया किसी बड़े क्लब के साथ, मिड टेबल क्लब्स के साथ खेल रहा है, टॉटनहम था फिर अब रोमा था, उससे पहले यूनाइटेड भी कुछ, हम यूरोपा लीग जीते उसके साथ, पर यूनाइटेड में बढ़िया था यार मोरिन्हो, ठीक था यार, ऐसा कुछ खास नहीं करा उसने कि उसने रेवोल्यूशनलाइज करा हो कुछ, जैसा टेन हाग से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेरे को लगता अभी वो कर पाएगा, पर देखते हैं। रोमा उसको ले रही है लियोन से, हसम आवर फ्री में मिल रहा है, वो बहुत अच्छा मिडफील्डर है, मतलब एक टीम रोमा जैसी टीम के लिए, और फ्रैंकफर्ट का भी जो बहुत अच्छा डिफेंडर है एवन एंडी का, वो भी फ्री में छोड़ रहा है, तो उसके लिए भी अप्लाई किया, उसके लिए भी कर रहे हैं कि शायद वो आ जाए, ट्राई कर रहे हैं उसके लिए,
तो हो सकता है रोमा की थोड़ी टीम बेटर हो तो कुछ हो जाए, अभी तो वैसे नेपोली में, पूरा समर बचा है। नेपोली में स्पेलेटी को निकाल दिया, उसने छोड़ हाँ दिया। स्पालेटी, वो उन्होंने आई थिंक म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई अब शायद नहीं बन रही होंगी, नेक्स्ट सीजन के लिए उनके टारगेट्स अलग हो या कुछ अलग हो, कुछ भी हो सकता है उसमें भी। बट यार नापोली से इतना याद आई बढ़िया, यूनाइटेड, इतना बढ़िया सीजन नहीं होने के और बाद निकाल लिया यार। आई थिंक इस वजह से नहीं निकाला होगा ऑब्वियसली कि परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल्स और ये और वो, बट अगर क्लब और उसकी नहीं बन रही तो कोई फायदा नहीं है पूरे साल उसके साथ टिकना, और फिर क्योंकि अब समर है वो पूरा डिसाइड कर सकते हैं 2 महीने नए सीजन स्टार्ट होने से पहले, तो मेक अ न्यू गेम प्लान। ठीक है अभी डिसाइड कर लिया, बाद में जाके सीजन से जस्ट पहले करते तो और प्रॉब्लम होती। बट विक्टर ओसिमहेन का नहीं पता कहाँ जाएगा, टिकता या नहीं रुकता, और किम मिन जे के लिए तो ट्राई करी हुई है यूनाइटेड, अगर आ पाए ओसिमेन के तो लिए मैड्रिड नहीं जा सकती, मैड्रिड जा सकती है ओसिमेन के लिए। जा सकती है यार, लेकिन फिर पॉइंट वही है अभी उन्होंने बेलिंगम, बेलिंगम से भी यही याद आया, बेलिंगम की डील पूरी हो गई है 100 मिलियन, 103 मिलियन दे रहे हैं उसके लिए, आई थिंक थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव टीनेजर ऑफ ऑल टाइम है वो भाई। सही सही दे रहे हो, ये भी कम लग रहे हैं मुझे बेलिंगम के। नहीं नहीं भाई 100 मिलियन किसी के लिए भी कम नहीं है, कोई सही प्लेयर नहीं हो। वैसे उसके यार उसके पीछे काफी टीम्स थी यार, 100 मिलियन ठीक है अमाउंट है। सही है, बट मिडफील्ड भर गई है अब उनके पास तो, उसमें सबके मिलेगा भी नहीं गेम टाइम, चुआ में नहीं है, वालवेर्दे है, अगर हम मॉड्रिच और क्रोस को ये भी समझें कि सेकेंडरी खिला रहे हैं उनको, तो भी फर्स्ट में कामाविंगा, चुआ में नहीं, बेलिंगम, वालवेर्दे, चार तो पहले से ही है। मॉड्रिच क्रूस सेकंड भी नहीं खेलने वाले, देखिए वो ही स्टार्ट कर रहे एग्जैक्टली होंगे। तो 1 साल, हाँ 6 मिडफील्डर ही है और सेबायोस भी है साथ में, तो 7 तो यही है, कहाँ खिलाएंगे सबको। और न्यूज में गुरेरो हो गया कुबायन, हाँ राफेल गुरेरो बायन जा रहे हैं भाई, ये डॉर्टमुंड से बायन प्लेयर जाते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, तभी लीग प्रॉस्पर नहीं कर पाती इन, प्रमोशन हो गया गुरेरो का। सेम सेम स्विच है हर बार, हर बार वही और कोई बुरा खेल रहा होगा तो उसका डिमोशन हो जाएगा दोबारा डॉर्टमुंड में। हाँ यही होता है, हमल्स के साथ यही हुआ था, गोडसे के साथ यही हुआ था, क्या कर सकते हैं, देखते हैं अल्फांसो डेविस लेफ्ट बैक में कंपटीशन होता है तो रुकता है, या फिर उसके भी लिंक आ रहे थे कि जा सकता है, मे बी मैड्रिड जा सकता है, तो क्योंकि लेफ्ट बैक पे मैड्रिड के पास भी सिर्फ फर्लॉन मेंडी और वो पूरा टाइम इंजर्ड रहा था। नाचो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहा है, नया कैप्टन होगा मैड्रिड का, सही है तो ना, नाचो अच्छा प्लेयर है, राइट बैक सेंटर बैक लेफ्ट बैक कहीं खिला लो उसको, कोई सही पोजीशन खेल लेगा रोबर्टो की तरह। किसकी तरह? सर्जी रोबर्टो तो, हाँ बट वो तो मिडफील्ड और विंग पे भी खेल पाता, नाचो वो नहीं कर सकता। और ये मैकलिस्टर टू लिवरपूल भी हो गया भाई, फॉर भाई ओनली बिल्कुल बार्गेन है, 35 मिलियन भाई, 35 मिलियन भाई, बिल्कुल बार्गेन है, बहुत बहुत अच्छी मूव करी है लिवरपूल ने ये वाली, मिडफील्ड में इनको रिक्वायरमेंट भी थी। 35 मिलियन में इससे मिड क्वालिटी मिल सकती थी, सही प्लेयर साइन करा भाई इन्होंने। अभी उनकी ये भी न्यूज आ रहा है मानु कोने और वो फेरन थुराम के लिए, फ्रेंच मिडफील्डर्स हैं यंगस्टर्स, अभी ऑक्सलेड चेम्बरलेन चला गया, मिलनर चला गया, तो उनके पास जगह है, और क्या कहते हैं थियागो का भी शायद कह रहे थे कि शायद ये लास्ट ईयर हो, नाम थियेटर भी जा रहे हैं, तो 3 स्पेसेस खुल गई है मिडफील्ड में। अब वो तो लिवरपूल वाले शुक्र मना रहे होंगे कि जा रहा है वो केटा। जब उन्होंने लिया था वो आरबी लाइप्सिक के साथ बहुत अच्छा खेल रहा होता था, हर प्लेयर हर टीम में नहीं फिट हो पाता, बट आप ट्राई कर सकते हो, हैजार्ड इतना बढ़िया खेल रहा था चेल्सी के लिए ऑल ओवर द ऑल दोस इयर्स, और कोई इंजरी नहीं होती थी, आई थिंक उसने 7 साल में आई थिंक 7 मैचेस मिस करे होंगे मुश्किल से इंजरी की वजह से, और मैड्रिड में आया 7 गोल मारे उसने नंबर 7 पहन के। तो
चलो कुछ चलो, वैसे कुछ कह नहीं हो सकते। गए हैं हमारे ट्रांसफर सारे कंप्लीट। यूसीएल फाइनल लाइव स्ट्रीम करेंगे हम गाइस, देखना हाँ कब, 10 को है ना मैच। हाँ परसों रात को है, लग तो नहीं रहा कुछ हो सकता है, कोई सिटी को रोक सकता है। इंटर भी जैसे तैसे जीती थी फियोरेंटीना से कप फाइनल। अरे फियोरेंटीना दो फाइनल, फाइनल हार गई एक ही सीजन में। फाइनल में तो अभी कुछ भी वेस्ट हो हैम सकता है कॉन्फ्रेंस लीग यार। जीती है। वेस्ट हैम जीत गई कॉन्फ्रेंस लीग। हाँ वेस्ट हैम, डेविड मोयस की पहली ट्रॉफी अब उसकी लाइफ की, उसने हाँ वन वो थाउजेंड डांस नाइनटी सेवन गेम्स मैनेज करे हैं, उसके बाद जाके पहली ट्रॉफी जीती है। हाँ कर रहा था भाई वो, बढ़िया। डेक्लन राइस का भी आ रहा था, शायद हो सकता है छोड़ दे, आर्सेनल उसके लिए बिड कर रही है। बायर लेवरकूसन ने जाका ले लिया, बट तभी वो आगे बढ़ पाएगा जब आर्सेनल कोई मिडफील्डर साइन करती है। तो डेक्लन राइस देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है, ऑब्वियसली जाएगा तो किसी बड़े क्लब के लिए, बट लेट्स सी। बड़े फियोरेंटिना का भी था सोफियान अमरबात, मोरक्को के साथ इतना बढ़िया वर्ल्ड कप गया था और फियोरेंटिना के साथ भी सही खेला, तो उसके लिए भी आ रहा है कि कहीं बड़े क्लब में जा सकता है। बारसा के साथ लिंक आ रहे थे, बट वही उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खराब है, कुछ पता नहीं किसको ले पाएंगे किसको नहीं ले पाएंगे। बार्सिलोना की बात ही मत कर भाई, छोड़ लेट्स सी। बट दे भाई उनका वो आ उनको। रहे हैं एथलेटिक एथलेटिक बिलबाओ से, वो इनिगो मार्टिनेज, अब उनकी पहली साइनिंग होगी इस सीजन की, तो ठीक है एक भाई, डिफेंडर आ करने दे, गया। मुझे कोई लेना देना नहीं है बार्सिलोना से। बड़ी जल्दी लॉयल्टी बदल ली आपने। फुटबॉल इज ओवर फॉर मी नाउ, नाउ इट्स सॉकर। नाउ इट्स सॉकर। अबे मेरा जोक खराब मत कर। सॉरी, तू पंच लाइन मार ले। नहीं अब हो गई, हो गई। ये पेरिस टी शर्ट, पेरिस की टी शर्ट आज ही जला दी हो, ये मैं अभी फाड़ता हूँ। अभी फाड़ दे, बचनी नहीं चाहिए। अरे पीएसजी से याद आया, वो चेल्सी की डील उन्होंने हाईजैक कर ली है, मैनुअल उगार्ते ले रहे हैं वो स्पोर्टिंग से, डिफेंसिव मिडफील्डर। वो तो हो गई, हाँ डन 60 मिलियन है का वो। अगर पीएसजी रुक चल। जाता यार, मैसी यार, एक साल और गालियां दे देते पीएसजी को, अरे एमबापे उसको को। लास्ट मैच में बू करा इतना। अबे रुक जाता यार, क्या यार। क्या ही करता, रुक के जीतना तो था नहीं कुछ। अबे तो देख तो लेते उसको एक साल और यार, टॉप लेवल पे। अब मायामी बीच पे देखना पड़ेगा। ठीक है कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। चलो परसों मिलते हैं भाई, अब बाय बाय टाटा। हाँ जी जो भी देखेगा लाइक सायोनारा, कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई। और कमेंट करो कुछ तो करो, कर दो कमेंट यार करो। लाइक ही कर दो। चलो बाय बाय।